हेलो एवरीवन, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं बेल के मुरब्बे की रेसिपी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बेल में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इस मुरब्बे को हम साल भर के लिए सुरक्षित करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है और बहुत कम सामग्री में आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलें इसे झटपट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 बेलों को अच्छी तरह से वाश कर लिया और उसे कपड़े से पोंछ लिया, ये देखिए, और इसे चटका लिया था। अब इसके पल्प को हम निकाल लेंगे, देखें इस तरह से सभी बेल के पल्प को हमने निकाल लिया है। अब इसके हम गोल गोल रिंग काट लेंगे, देखें चाकू से इस तरह से, और इसके जो बीज हैं वो हम हटा देंगे। चाकू से या फिर हाथ से इसके बीजों को रिमूव कर दीजिए। बेल गर्मी में हमारे शरीर को ठंडा रखता है और पेट संबंधी कई रोगों में भी फायदा पहुंचाता है, जैसे दस्त है, अपच है, गैस है, डायरिया है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके कई सारे फायदे हैं, ये देखिए इसके सारे बीजे निकल चुके हैं। बेल हमने पूरी तरह से पका हुआ लिया है। बेल के पल्प को अगर नापा जाए तो ये 300 ग्राम के करीब है, इतनी हमें शक्कर लेना है। तो देखें शक्कर भी हमने नाप कर 300 ग्राम ले ली है। इसमें शक्कर बराबर की डलेगी। बराबर की शक्कर डालने से होता यह है कि बेल की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और इसे हम एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे जब भी हमें खाना हो तो हम इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर हमें इसका शरबत पीना हो तो 1 या 2 चम्मच अपने ख्वाहिश के हिसाब से लें और 1 गिलास पानी में डालकर उसे घोल कर पी लें। तो चलें इसे बनाने के लिए, एक कढ़ाई को हमने गैस पर लेकर उस पर रख दिया और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे हम बेल का पल्प, और इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे ये कढ़ाई के तले में चिपके ना। ये देखें शक्कर मेल्ट होने लगी है। पानी शामिल नहीं करने की वजह से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और मुरब्बा हमारा काफ़ी दिनों तक चलेगा। अब इसे हम लगातार इसी तरह चलाते हुए 10 मिनट तक पका लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। मुरब्बे को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसमें कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ चुकी है और ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। मुरब्बे को हम जितना अच्छा पकाएंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ये उतने ही ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अब इसमें हम मसाले शामिल कर लेंगे। 1/4 चाय का चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, इतना ही गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 2 पिंच सेंधा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देंगे और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे इसमें 1/4 चाय का चम्मच। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसमें से बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबुएँ आने लगी हैं, ये देखिए ये पक कर रेडी हो चुका है। अब इस हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे हम ठंडा होने देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम एक कांच के एयर टाइट जार में सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो लीजिए बेल का मुरब्बा तैयार है, इसे हम साल भर तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। प्लीज़ इसे बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका बेल का मुरब्बा कैसा बना है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।